हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नासा के द्वारा किए गए सबसे बड़े एक्सोप्लैनेट्स खोज के बारे में। दोस्तों, नासा ने हमारे पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा सोलर सिस्टम ढूंढा है जहां हमारे पृथ्वी की तरह 7 और ग्रह मौजूद है। माना जा रहा है कि ये 7 के 7 ग्रह हमारी पृथ्वी और शुक्र ग्रह के आकार के बराबर ही है। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से इन सभी ग्रहों पर जीवन के होने की आशंकाएं जताई जा रही है। माना जा रहा है ये सभी ग्रह ठोस अवस्था में है और इनमें द्रव्य जल की उपस्थिति भी संभव है। ये 7 के 7 ग्रह ट्रैपिस्ट नामक एक ठंडे तारे का चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इन ग्रहों पर अथाह समुद्र और जीवन होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। दोस्तों, नासा के जरिए 2018 में जेम्स वेब नामक टेलीस्कोप भेजा जाएगा, जिसके जरिए हम इस ट्रैपिस्ट 1 नामक सोलर सिस्टम के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर पाएंगे। अब तक नासा के द्वारा किए गए एक्सोप्लैनेट्स के खोज में 21 दुक्के ग्रह मिल रहे थे, लेकिन 22 फरवरी 2017 को खोजे गए यह एक्सोप्लैनेट नासा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे विज्ञान और ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों में रुचि रखते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोज को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।